लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवांशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सो जय जय श्री राम भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत आज के रामचरित मंथन ऑनलाइन के हर साप्ताहिक हर शनिवार को होने वाले इस मंथन में। तो आज मुझे बड़ा विशेष आनंद हो रहा है कि हमारे बीच बड़े विद्वान वक्ता हैं जिन्होंने बड़े प्रेम से और आमंत्रण स्वीकृत किया और आज अपनी बात कहने आए हैं। तो आज के वक्ता हैं विशिष्ट वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर SP गौतम। गौतम जी फिलहाल जबलपुर में हैं और बाय प्रोफेशन ये साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, लाइफ साइंस के, एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेस। इस बारे में मुझे बहुत विशेष जानकारी नहीं है साइंस के बारे में। हालांकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा पर मेरी रुचि ज़्यादातर फिजिक्स उस तरह के साइंस में ज़्यादा रही, लाइफ साइंसेस में कम रही। MSc हैं, PhD हैं, कई किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं, कई बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, कई इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं, कई ऑनर्स मिल चुके हैं। उनका सबका उल्लेख करूंगा तो इसमें सारा समय चला जाएगा। पर जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने हमारे जो ग्रंथ हैं इनको एक विज्ञान की दृष्टि से देखा है, विद मॉडर्न साइंस पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइंस। जैसे साइंटिस्ट हैं तो उसी हिसाब से देखा है और उस पर कई पुस्तकें लिखी हुई हैं। जैसे कुछ पुस्तकों का नाम है श्री रामचरित मानस में अध्यात्म और विज्ञान, दूसरा है श्रीमद् भागवत में विज्ञान, श्री रामचरित मानस की वैज्ञानिक टीका, और उसी का शायद इंग्लिश वेरिएशन है रामचरित मानस ओशन ऑफ साइंस। सो एक अलग दृष्टि से देखने का प्रयास है। प्रायः हम लोग रामचरित मानस को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह से देखते हैं, भक्ति भाव से देखते हैं, और एक विज्ञान दृष्टि देखना है। सो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुने बहु विधि से संता। यही है ना कि यू नो ये तो इतना बड़ा सागर है, इसको आप कितनी भी तरह से देख लो फिर भी उसका कुछ और छोर नहीं है। सो आज हम प्रोफेसर गौतम साहब से बस ये जानना चाहेंगे कि रामचरितमानस को विज्ञान की दृष्टि से कैसे दिखा है और उसमें से क्या क्या रत्न निकाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सब लोग जरा थोड़ी देर ताली बजा कर गौतम जी का स्वागत करें और उनको आमंत्रित करें कि आप पधारें और हमें बताएं रामचरित मानस में विज्ञान क्या विज्ञान है। जय श्री राम, आपको बहुत बहुत स्वागत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवास्यते पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परम सम्मान्य ओम जी और सभी श्रद्धालु राम भक्त या विज्ञान के इच्छुक महानुभाव, मात्र शक्ति और बंधुओं, निश्चित तौर पर एक अद्भुत प्रश्न
सभी के मन में आता है कि जिन ग्रंथों को हम धर्म ग्रंथ कहते हैं उनमें ये विज्ञान जैसा छोटा विषय कैसे आ रहा है। तो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जो हमारे भारतीय संस्कृति के विचारों को वैज्ञानिकता के साथ रखता है और विज्ञान को जब परिभाषित करता है तो कहता है एत देव ही विज्ञानम न तथैकेन येन यत् स्थिति उत्पत्ति अप्यान पश्येद भावानाम त्रिगुणात्मना। आशय इसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन शब्दार्थ की दृष्टि से इस पूरे संसार की जिस विविधता को आप देखते हैं उसको ऐसा न देखकर यह माने कि यह एक बिंदु से निकलकर तीन गुणों सतगुण रजगुण रजोगुण और तमोगुण ऐसे तीन गुणों की क्रियाओं के फल स्वरूप उनके भावों से उनके परिणामों से संसार का विषय रखा है और सतोगुण यथास्थितिवाद को बनाता है जहां आवेश विभवांतर और विद्युत चुंबकीय बल एक जैसे रहे वो सतोगुण की विशेषता है। रजोगुण की विशेषता है ये बंधन बनाता है यहाँ विभवांतर होता है और ये बंधन बनने से जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है तो ये विभवांतर के कारण जुड़ता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंतर के कारण बंधन बनते हैं जिससे परिवार बनता है समाज बनता है देश बनता है विश्व बनता है। तो इस संसार का सृजन रजोगुण से होता है। तीसरा तमोगुण है। तमोगुण का मूल कारण है आलस्य और प्रमाद कि यह अपने यथा स्थितिवाद में रहता है लेकिन संसार गतिशील है तो उस गति में यह शामिल न होने के कारण अणुओं का जो विखंडन छोटे जगहों पर होता है छोटे अणुओं में परिवर्तित होते हैं बड़े अणु ये तमोगुण के कारण होते हैं जिसे संहार की संज्ञा दी जाती है। यदि यद्यपि संहार भी नवीन अणुओं और नवीन वस्तुओं को जन्म देता है इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं सृजन करता पालन करता धरता और संहार करता। काल के अधिष्ठाता भगवान शंकर हैं तो ये नष्ट नहीं करते क्योंकि सनातन धर्म की तो एक बहुत बड़ी भारी विशेषता है कि यहाँ मृत्यु है ही नहीं आदि से अंत तक लगातार चलता है। खैर इस विज्ञान को श्रीमद् भागवत की दृष्टि से देखा और ये श्रीमद् रामचरितमानस में देखें कि ये जो स्लाइड है ब्रह्म कन इन मानस मैं माननीय ओम जी से कहूंगा कि आप लोगों को दिखाएं तो सबसे पहली लाइन है मेरी एक पुस्तक भी है इसमें बंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो बाल कांड के चौथे दोहे का प्रथम पद है चौथे पद में ही है कि वंदे विशुद्ध विज्ञानो। तुलसीदास जी कहते हैं मैं विशुद्ध विज्ञान की वंदना करता हूं और ये बहुत आवश्यक है कि इसको हम ध्यान से देखें। और एक बालकांड के 36वें दोहे की चौपाई में दिया है अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। अब आप इसको देखें कि जब मानसकर्ता गोस्वामी तुलसीदास इन पंक्तियों को लिख रहे हैं इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं तो वो कहते हैं मैं अर्थ धर्म काम और मोक्ष को ज्ञान और विज्ञान के कसौटी में विचार करके लिखूंगा। और ज्ञान को जहां परिभाषित किया गया है
तो स्पष्ट कहा है जिन तथ्यों का पता है या ज्ञात तथ्य यह ज्ञान है, और जो अज्ञात तथ्य हैं जो आएंगे वह विज्ञान है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है, यदि श्रीमद् भगवद गीता में भी, अभी केवल विज्ञान की परिभाषा की दृष्टि से मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे सब ग्रंथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में ही लिखे गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण विशेषता कहते हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्नौ भज माम भक्ति भाविता। पहले ज्ञान और विज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण कर लें, उसके बाद मेरी भक्ति करने का कार्य करें। और जो हाँ ये बात करते हैं कि मैंने क्यों विज्ञान का परिपेक्ष लिया, तो ये मैंने नहीं लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही कह दिया कि मैं विशुद्ध विज्ञान की वंदना करता हूं और उस विज्ञान के आधार पर भी मैं इस ग्रंथ को लिखूंगा। और अंतिम ये प्रथम सोपान में चौथे पद का लाइन है, पंक्ति है, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, और अंतिम श्लोक में वो कहते हैं पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। यहां बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि भक्तों को भक्ति के माध्यम से यदि चलना है तो भी उनके पुण्य, उन्हें पुण्य प्राप्त होगा, बुरे कामों से कष्टों से पाप हरे जाएंगे, सदैव उनका कल्याण होगा, और जो विज्ञान के माध्यम से चलेगा उसको भी पुण्य मिलेगा, पाप हरे जाएंगे और उसका कल्याण होगा। इसका विशुद्ध ज्ञान और ध्यान ये है कि अध्यात्म एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या दो मार्ग हैं। आप किसी भी एक मार्ग से जाकर सत्यम परम धीमहि, जो श्रीमद् भागवत का विषय है, जिस जो पहले श्लोक में भी है और अंतिम में भी है, सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य की खोज आप अध्यात्म में भी करते हैं और विज्ञान में भी करते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का यदि नाम अपन देखते हैं तो उसमें आता है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ब्रह्म की विद्या का ज्ञान है ये। और ब्रह्म जो होता है, ब्रह्म है बेसिकली, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म। और ब्रह्म जो है, जो तीनों कार्य करता है, सृजन का, पालन का और संहार का। तो इस स्थिति में हम देखें कि हमने विज्ञान को देखा और मानस में विज्ञान से प्रारंभ किया गया, रचयिता ने स्वतः लिखा कि मैं ज्ञान और विज्ञान के आधार पर पूरे ग्रंथ का लेखन करूंगा। और यही नहीं, विज्ञान और भक्ति के माध्यम से, ये अंतिम श्लोक की अंतिम पंक्तियों में है कि विज्ञान या भक्ति के माध्यम से जो सद्गुणी व्यक्ति आगे बढ़ेंगे उन्हें बराबर पुण्य मिलेगा, वे सदा सुखी रहेंगे और उनका पाप नष्ट होगा। अब इसके लिए एक विशेष बात लिखी है, आगे लिखते हैं कि ये ब्रह्म कण के लिए, सत्यम परम धीमहि के लिए कहाँ मिला जाए। तो ये पंक्ति जो दी है भरद्वाज, नेक्स्ट स्लाइड में, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि ते बज्जन तीरथ राजा। यहाँ एक एक पंक्ति के इन शब्दों के कुछ चीजों को मैं विशेषता उद्धृत करूंगा। ये विषय, जैसे ओम जी ने कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि भरद्वाज जी प्रयाग में रह रहे हैं और प्रयाग को प्रयागराज कहते हैं। वो प्रयागराज इसलिए कहते हैं कि यहाँ त्रिवेणी का संगम है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखें, और ज्ञान भक्ति वैराग्य मिलता है
यदि साइंस की दृष्टि से देखें, अब कई बार आश्चर्य लगता है कि ज्ञान भक्ति और साइंस वैराग्य क्या विज्ञान का विषय है, तो हाँ स्पष्ट किया गया है ग्रंथों में। आप जिसको नॉलेज कहते हैं वो ज्ञान है, यद्यपि मैं ये तेल में पानी मिलाने जैसी सोचता हूं। भारतीय संस्कृति संस्कृत से उत्पन्न है और ये बहुत बड़ी भाषा है जो अन्य भाषाओं की तुलना में काफी श्रेष्ठ इसलिए भी है कि एक विशेष चीज के लिए विशेष शब्द है और अंग्रेजी की अपनी सीमाएं हैं। तो एक ही जैसे उन्होंने आंटी कह दिया, आंट कह दिया, अंकल कह दिया, तो बहुत सारे एक तरह से शामिल हो जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ अलग अलग विषय हैं। उदाहरण के लिए रखा तो ये प्रयाग में ज्ञान भक्ति वैराग्य इन तीनों का तीन अर्थ है, तीरथ राजा तीन अर्थ है, अर्थ धर्म और काम, ये जब तीनों प्राप्त होते हैं तो उसके आधार पर हमको आगे सत्य की खोज मिलती है। अब आप यहां देखें नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसमें है ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहां ही कथा भगवंत के संयुत ज्ञान बिरा। यहां आप देखें कि बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम ब्रह्म का निरूपण करेंगे, सत्य को बताएंगे, धर्म का अर्थ यहां है जिस पर आधारित है सारी चीजें, धर्म का इति धारित सुधर्मा, जो धारित गुण है, जैसे जल का गुण है ठंडक देना शीतलता, अग्नि का गुण है तेज, ये धर्म है, वायु का वेग, ये धर्म है। तो ब्रह्म निरूपण हम इसमें सत्य का निरूपण करेंगे, लेकिन तत्व विभाग पहले इनको अलग अलग समझेंगे और उसके बाद फंडामेंटल्स या इनके जो मूल हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनके आधार पर इन्हें बताया जाएगा। अब ये विज्ञान की मेथडोलॉजी है, ब्रह्म निरूपण धर्म और विधि, इनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कौन कौन सी विधियां होंगी, मेथड्स होंगी, कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं और वो किन श्रेणियों में आएंगे, किस विभाग में उनको वर्णित किया जा सकता है, इन सब के लिए रामचरितमानस में अलग अलग विषय लिए हैं और अद्भुत विषय हैं, कुछ आपके सम्मुख आज हम रख रहे हैं। और ये सारा कुछ नहीं है, ये तो केवल स्पर्श मात्र है जो हम दे रहे हैं। यहाँ बार बार हम पंचभूतों की बात करते हैं, हर बार हम कहते हैं भगवान। अब ये भगवान को अलग अलग समझ लें, यह पांच महाभूत जो है, भूमि भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे अग्नि, नासे नीर। आशय जिस भगवान को हम याद करते हैं वह भगवान यह पंच महाभूत है, जिसे हम कह सकते हैं पुष्कर, पवन, पावक, पय और पृथ्वी, पंचभूत। अब यहां इस चौपाइयों में लिखा है गगन समीर अनल जल धरनी, आशय की जो ये पंचभूत महाभूत हैं, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। यदि हम इनको इंडिविजुअली देखते हैं तो यह जड़ प्रतीत होते हैं, यहां बड़ा स्पष्ट किया गया है, इनकर नाथ सहज जड़ करनी, इनकी जो करनी है, जो इनका कार्य है वह स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जड़ दिखाई देता है, निर्जीव दिखाई देता है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगली पंक्ति में कहते हैं इन्हीं पंचभूतों को मिला दिया,
क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अब आप यहां देखें जिन पंच महाभूतों की, क्यों मैं कह रहा हूं कि अपने धर्म ग्रंथों में वैज्ञानिकता केवल स्पर्श नहीं कर रही, वैज्ञानिकता के आधार पर उनकी विवेचना भी की गई है, एनालिसिस भी की गई है। वो कह रहे हैं इंडिविजुअली जब हम देखते हैं तो ये जड़ प्रतीत होते हैं, इनकी करनी जड़ लगती है, लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तभी यह शरीर का निर्माण करते हैं। अब आप देखें क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इसको समझाया है कि यह जो शरीर है यह पंच भूतों से बना हुआ है, इनके मिलने से बना, और इनके मिलने की विशेषता यदि हम यहां पर गीता के संदर्भ में देखें तो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत स्पष्ट लिखा है प्रकृति अष्टधा, पंच महाभूत हैं और मन बुद्धि और अहंकार को भी प्रकृति माना गया है, और प्रकृति को जड़ और जीवात्मा को चेतन कहा है। अब ये जीवात्मा यहाँ क्या है ये मैं जरा समझा दूं, क्योंकि अब ये शरीर बन रहा है। शरीर बनने में आपको जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, प्रकृति तो बन गई, अब वो है प्रकृति कार्य कैसे करेगी, तो इसमें प्राण वायु जो समीर है, ऑक्सीजन प्राण वायु अंदर जाती है, और हम सब जानते हैं बायोलॉजी में बहुत न जाकर जब हम सांस लेते हैं तो ये रक्त तत्व से मिलती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और जहां आवश्यकता होती है वहां यह ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, उन कोशाओं में उपस्थित ग्लूकोज को ये कापचय करती है, रिडक्शन करती है, और उससे ऊर्जा निकलती है। यह पूरा संतुलित होता है और संतुलित प्रवाह ही जीवात्मा है। यहाँ ये इसलिए कहा गया है अति पंच रचित अति अधम शरीरा, इस शरीर के अंदर जो धम्म चल रहा है उसमें यह जीवात्मा प्राण वायु जैसे जैसे चलती है यह पूरे शरीर में जाती है, ऊर्जा को निष्पादित करती है, और ऊर्जा तथा ऊर्जा बल निकलते हैं। विस्तार में न जाके हम इनकी अन्य पंक्तियों में चलते हैं। इसमें देखें बहुत अद्भुत बात है, कह रहे हैं ईश्वर जीव ही नहीं कछु भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक और बड़ी विशेषता यहाँ ये देखें कि हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमको ये अपना विषय पढ़ना चाहिए कि ये रामचरितमानस या भागवत या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ है। आप यहाँ देखें कि एक बड़ी विशेष बात ऋषि चिंतकों ने अंदर तक देखने के बाद की कि ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। ईश्वर जीव ही नहीं कछु भेदा, ईश्वर और जीव में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मुनियों ने भी कहा है, पुराणों में भी इसकी व्याख्या की गई है, विद्वानों ने भी इसका विश्लेषण किया है, और वेदों में भी इसका उदाहरण है। लेकिन ये है कैसे कि ईश्वर भी वही है और जीव भी वही है, तो उसको तो एक नाम दे देना चाहिए, या तो ईश्वर कह लो या जीव कह लो। तो दूसरी पंक्ति में विवेचना के साथ, जिसको हम क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं, उसमें देते हुए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक तो जीव है, पहले प्रारंभ किया है आप देखें, इनकर नाथ सहज जड़ करनी, पंचभूतों की करनी जड़ है, वह जड़ तत्व तो चला, आपस में मुलाकात हुई और संयोजन से शरीर बना। अब ये शरीर अभी भी जड़ है,
क्योंकि यह जड़ तत्वों से बना है, वहां लिखा है कि वहां जड़ तत्व है, तो इसको जीवन कौन दे रहा है? उसके लिए इस विशेष चीज में जो जीवात्मा का विवरण मैंने किया, यहाँ एक पंक्ति में उसको लिखते हैं, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। ये जो जीव है, हम सब जानते हैं कि शारीरिक रूप से शरीर एक अवस्था में हम मृत शरीर कहने लगते हैं, मिट्टी कहने लगते हैं, जबकि शरीर भी कभी मृत नहीं होता, उसमें आत्मा रहती है। जीवात्मा अपना कार्य बंद कर देती है, जो अभी बीच में मैंने संक्षेप में कहा कि प्राण वायु के चलने से और जो तापक्रम शरीर का बनता है, ऊर्जा निकलती है, वो जीवात्मा। अब ये ईश्वर अंश और जीव तीन चीजें हैं। जो अविनाशी अंश है, अब ध्यान दें, जो अविनाशी इमोर्टल है पार्ट, वह ईश्वर है, और जो मॉर्टल पार्ट है वो जीव है। अविनाशी अंश ईश्वर है और नाशी या नश्वर भाग जीव है। इनकी लेकिन विशेषता क्या है स्वतः में, और फिर व्यवहारिक स्थिति में देखें, यह चैतन्य है। हम बार बार कहते हैं सच्चिदानंद घन, तो यह चैतन्य है, इसमें चेतना है, इट सेंसेस, सेंस करता है, अमल है। ये स्वतः में, इसमें कोई गंदगी नहीं है, इसमें कोई मल नहीं है, ये सहज है। अब सहज बहुत बड़ी चीज है, शायद वो शब्द आएगा, लेकिन मैं सहज की यहां व्याख्या कर दूं। सहज, सरल, सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। आप इसे सहज शब्द का महत्व तो देखें, ये अभी नहीं आएगा ओम जी, ये आगे मैं केवल समझाने के लिए इस शब्द को, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। सहज सरल सब सन छल हीना, आप देखें कि मनुष्य की श्रेष्ठता को एक पंक्ति में कह दिया गया कि व्यक्ति सहज हो और सरल हो। सरल में एक लाइन है और सहज में वैसा ही है जैसे आप पानी में अंगुली चलाएं और पानी में विभाजन दिखे लेकिन विभाजन रहता नहीं, सहज है। उसको किसी गुण के आने या निर्गुण के ऐड होने या सगुण के लुप्त होने से कोई अंतर नहीं, वो है सहज। और सदैव सुख की खान है आशय। यदि ईश्वर और जीव को उसके मूल तत्वों के साथ रखा जाए तो कौन कौन से गुण पाए जाएंगे मनुष्य में? आप देखें कि ये धर्म ग्रंथ क्यों पढ़े जाए, कि ये आपको चैतन्य रखेंगे, आपके मन मस्तिष्क को शुद्ध रखेंगे, इसमें गंदगी नहीं आएगी, आप सदैव सहज रहेंगे, सरल रहेंगे और सुख परमानंद में रहेगा, क्योंकि राशि है, अखंडानंद रहेगा, आनंद अखंड रहेगा, परम आनंद रहेगा। अब आगे की पंक्ति में देखें कि ये सब होता कैसे है। इस शरीर का इन पंच महाभूतों के आधार पर जीवन चलता कैसे है, एक पंक्ति में कह दिया, तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर ही जाई तप अस जिय जानी। अब यहां कह दिया कि अभी बात शरीर की हो रही थी, ईश्वर और जीव के अंश की हो रही थी, तो उन्होंने कहा ये जीवन चलता कैसे है? तो कहते हैं कि चलता है तप आधार सब सृष्टि भवानी, यह पूरा संसार या सृष्टि तप के आधार पर चलती है। और आप देखें व्यक्ति का शरीर और सूर्य, इन दोनों की तुलना हम कर रहे हैं, ये दोनों निरंतर अनथक लगातार परिश्रम करते हुए तप करते हैं, और तप का परिणाम देखें कि आपको सदैव ताप महसूस होगा। आशय,
यह शरीर जब तप करता है, हम देखते हैं कि हमारा हृदय लगातार पल्प करता है, पल्सेशन है। एक सेकंड भी पूरे जीवन काल में हृदय बंद नहीं होता, और जैसे ही हृदय बंद हुआ जीवन बंद हो गया। आशय कि यह सृष्टि जीवन का आधार केवल तप है। सूर्य जब तक है तब तक तप करता है और आपको ताप देता है, प्रकाश देता है। और इसीलिए कर्मशील बनाने के लिए मनुष्य को यह उदाहरण देते हुए कि ईश्वर ने आपके शरीर को स्वतः ही तपस्वी बनाया है, कृपया अपने उस मूल स्वभाव को जो इसके पहले की पंक्ति में था, वह मूल स्वभाव जो है चेतन अमल सहज सुख राशि, तो जो मूल स्वभाव आपका है तप करने का, कृपया उसको लगातार रखें। करिए जाई तप अस जिए जानी। आप ऐसा मानकर चलें कि यह संसार केवल तप के आधार पर चलता है, अतः मनुष्य को लगातार तप करना चाहिए, क्योंकि वही आपके जीवन का आधार है और मनुष्य की मनुष्यता की विशेषता है। इसके आगे देखें, एक और निवेदन करूंगा मैं कि मैं बोलता तो रहूंगा, लेकिन यदि किसी को कोई भी चीज नहीं समझ में आती तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, उसमें कहीं कोई विषय नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत हो, तो कहीं कुछ ऐसा लगे कि वो कोई चीज स्पष्ट नहीं कर पाया मैं या नहीं हो पाई मस्तिष्क में, तो पूछा जा सकता है। अब एक चीज देखें, अब यहाँ विषय आता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी और लोचन अभिरामम तनघन श्यामम निज आयुध भुजचारी। यहां तो प्राकट्य हो रहा है भगवान राम का, लेकिन इसके पहले जब देवताओं ने स्तुति की कि साहब बहुत परेशान है हम, निशाचर आ गए हैं आदि आदि, तो उन्होंने कहा लेहूं दिनकर वंश उदारा, मैं सूर्य कुल में जन्म लूंगा, आदि शक्ति समेत अवतरियहूं, आदि शक्ति समेत अवतरियहूं और लेहूं दिनकर वंश उदारा, मतलब एक तो मैं सूर्य कुल में जन्म लूंगा, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया सोई अवतरई मोर यह माया। अब यह आदि शक्ति जो है, आदिशक्ति जो है वह मेरे साथ अवतरित तो होगी, और ये आदिशक्ति किसके साथ है, लेहूं दिनकर वंश उदारा, मैं सूर्य कुल में जन्म लूंगा, तो सूर्य की जो किरण है वो आदिशक्ति है, वही भगवती जननी है, जगत जननी है। यदि किरणें प्रकाश पर नहीं आएंगी तो इस पृथ्वी में काल कवलित हो जाएंगे सब। तो आदिशक्ति समेत अवतरियहूं लेहूं दिनकर वंश उदारा। और उसके बाद बोले भय प्रकट कृपाला, यहां उनका प्राकट्य हो रहा है, दीन दयाला जिसकी जहां जरूरत है। एक विशेषता देखें ऊर्जा की, जहां भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने आप ऊर्जा वहां पहुंच जाती है। भय प्रकट कृपाला मतलब यह ऊर्जा शक्ति आदि शक्ति इतनी कृपालु है, इतनी दयाशील है कि वह गरीबों पर लगातार दया करती है, दीन दयाला और कौशल्या हितकारी, यह हमेशा हितकारी है और कुशलता की प्यारी है। उसके साथ निज आयुध भुजचारी, ये मैं चार भुजाओं के साथ जन्म लूंगा, और ये चार यदि हम कहें कि मानव शरीर, हम बार बार कहते हैं कि ऑर्गेनिक बॉडी, ऑर्गेनिक बॉडी का मतलब है कि कार्बन से बना हुआ शरीर, कार्बन से ही ब्रह्मा विष्णु महेश, कार्बन से ही सृजन होता है शरीर का,
कार्बन ही भोजन में काम आता है और कार्बन में ही अंत होता है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उस कार्बन स्वरूप में निज आयुध भुजचारी चार भुजाएं हैं, चार इलेक्ट्रॉन हैं, जो चारों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं। आशय पूरी पूरे संसार में यही एक ऐसा तत्व कार्बन है जिसकी चार भुजाएं हैं। और यहाँ एक और शब्द ये जोड़ रहे, निज आयुध। यदि हम देखें अस्त्र शस्त्र और आयुध, तो एक को हम हाथ से पकड़े पकड़े मारते हैं, एक को हम फेंक के मारते हैं, तो जहां मारते हैं वहीं केवल चोट लगती है। और आयुध है जो लगने के बाद विभिन्न तरह से नुकसान करता है, चाहे आजकल के बॉम्ब्स ले लें या बारूद ले लें, इन सबको आयुध कहा जाता है, इसीलिए आयुध फैक्ट्रियां कही जाती हैं। तो आयुध में मेरे चारों भुजाओं में आयुध होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन की विशेषता क्या होती है कि जैसे ही यह जैविक तंत्र में पहुंचता है तो केवल एक क्रिया नहीं करता, उस क्रिया के परिणाम से जो पदार्थ बनते हैं वो अनवरत, जिसको हम सीक्वेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल बात करते हैं कि वह क्रमवार लगातार क्रियाएं करते जाते हैं और नए नए संसार में प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं, उत्पाद बनते जाते हैं। तो लोचन अभिरामम तन घन श्यामम, यह पूरा शरीर श्याम वर्ण है, चार भुजाएं हैं, चारों में आयुध हैं। यदि अपन चतुर्भुज रूप की व्याख्या करें इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर, तब भी हम देखेंगे कि यह ऊर्जा स्रोत है। शंख ध्वनि ऊर्जा का परिचायक है, चक्र गतिज ऊर्जा का परिचायक है, शंख चक्र गदा स्थितिज ऊर्जा का परिचायक है और पद्म जैविक ऊर्जा का परिचायक है। तो उनमें भी हम देखते हैं कि चार भुजाएं हैं, चार तरह के ऊर्जा स्रोतों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ कार्बन के ये चारों इलेक्ट्रॉन चार भुजाओं में चल रहे हैं। आगे की पंक्ति में देखें, एक और बड़ी विशेष बात यहाँ देखें, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, अग जग मैं सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि रजोगुण की विशेषता है बंधन बनाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओमनीसिएंट ओमनीपोटेंट, हर जगह व्याप्त है। और किस तरह व्याप्त है? समान रूप से ऊर्जा पूरे संसार में समान रूप से व्याप्त है। और जिसको प्रेम ते प्रगट, जैसे ही आवश्यकता होती है, प्रेम का आशय यहाँ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जैसे ही आप प्रेम चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उसी समय ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। आप देखें कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ऊर्जा जाती रहती है और हर जगह ऊर्जा जाती है, बिना भेदभाव के जाती है, सब रहित विरागी, ये वैरागी की भांति लगातार कार्य करती है। इसमें न राग होता है न द्वेष होता है, जहां ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है यह ऊर्जा अपने आप वहां पहुंचती जाती है। और प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी, और जैसे हम किसी भी ज्वलनशील वस्तु को लिट कर दें, एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें डाल दें, तो हम देखेंगे कि पूरी की पूरी अग्नि या पूरा का पूरा विषय जो ज्वलनशील पदार्थ है वह जलने लगता है। आशय ये है कि यह प्राकट्य होने लगता है ऊर्जा का, जो अभी तक दिखाई नहीं देता था, जैसे लकड़ी है। और एक और विशेष चीज है कि जिस स्वरूप का विषय रहता है या तत्व रहता है, उसी स्वरूप में वह अग्नि आपको दिखाई देती है, ऐसी प्रज्वलित होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें हम देखेंगे कि
इसके मूल तत्वों को, जैसे वहां कहा गया था वर्ण ही तत्व विभाग, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, यहाँ तत्व के विभाग से विवेचना की गई है। यदि हम इस परमाणु को देखें जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कहते हैं, सर्व सर्वगत सर्व उरालय बससी सदा हम कहूं परिपालय, उनी सर्वज्ञ सर्व उरवासी सर्व रूप सब रहित उदासी, तुम समरूप ब्रह्म है अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी। आप देखें कि प्रोटॉन लगातार केंद्र में रहता है, सर्व सर्वगत सर्व उरालय। हेलियम को यदि माइनस कर दें तो सदैव प्रोटॉन परमाणु में एटम में पाया जाता है, और जब तक प्रोटॉन है तभी तक परमाणु। बससी सदा हम कहूं परिपालय, परिपालन के लिए हमारी मूल संरचना के लिए आप सदैव हमारे साथ हमारे हृदय में सभी के हृदय में वास करते हैं। दूसरी स्थिति है कि इसमें लगातार जो रिएक्शंस होते हैं उसके लिए कहते हैं सर्व रूप सब रहित उदासी। न्यूट्रॉन जो है वह जिनमें भी है हमेशा उदासी के रूप में रहेगा, जब तक इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो वीत और राग से मुक्त रहेगा, और सदैव जब तक न्यूट्रिनो बनाने की आवश्यकता नहीं या विखंडन की आवश्यकता नहीं है। राम लक्ष्मण सीता के में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि लक्ष्मण वैराग्य के धाम है, तो जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक लक्ष्मण नहीं बोलेंगे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की यहाँ विशेषताएं बताई हैं कि ये इसमें है, और इलेक्ट्रॉन को कहा है अमोघ शक्ति वाला, ये अभी उसकी पंक्ति नीचे आएगी। यहाँ परमाणु के लिए कहा है लव निमेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजसि न मन तेहि राम को काल जासु को दंड। अब यहाँ देखें कि काल दो तरह से बताया गया है, काल को गतिज ऊर्जा भी बनाया गया है और काल को समय भी बताया गया है। और विशेष चीज देखें कि आइंस्टाइन की थ्योरी में भी स्पेस एंड टाइम को साथ नहीं लिया, यहाँ इसको भी साथ लेकर चल रहे हैं। काल जासु को दंड, जो समय के साथ चल रहा है, और लव निमेश परमाणु युग, एक और इस विषय में आता है लव निमेश महाभुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। यहाँ लव निमेश में मतलब पलक झपकने के एक चौथाई हिस्से में इस परमाणु से लव निमेश महाभुवन निकाया, ये पूरे चार तीन लोग 14 भुवन सप्त दीप नौखंड, यह सब भुवन निकाय जितने घर हैं, बसई जा रचई जासु अनुशासन माया, यह सिस्टमेटिकली एक ही अनुशासन के माध्यम से सब जागृत हो जाते हैं और सारे के सारे पूरा संसार एक साथ। आप देखें कि जितने सूर्य की असंख्य अनगिनत किरणें धरती पर आती हैं, जितने तरह के तत्वों परमाणुओं और यौगिकों कर पर पड़ती हैं, उन सब का उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य होता है, और अनंत तरह के उत्पाद उपपाद लगातार बनते जाते हैं। तो यहाँ इसमें कहा है कि इस परमाणु के आधार पर ही आप देखें कि यही पूरे संसार को दंड और विधान के अनुसार चलाता है, यही काल है जो समय है, यही काल है वह ऊर्जा जो समस्त स्थितिज ऊर्जाओं को गतिज ऊर्जा में बदलता है, जन्म को मृत्यु में और मृत्यु को जन्म में बदल देता है। इसीलिए कहा है कि
अभी आगे याद आएगा, वो एक पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही, आ जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन की बात है, इसमें चौथी नेक्स्ट स्लाइड में, अकल आगुन अज अनघ अनामय अजित अमोघ शक्ति करुणामय, ये इलेक्ट्रॉन के ये परमाणु की ही संरचना में दिया है कि अकल है, आगुन है ये खुद में निर्गुण रहता है, अजन्मा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अनघ है इसमें कोई पाप नहीं है, इट इज नॉट बायस टू एनीथिंग, अनामय है अजित है इसको कोई जीत नहीं सकता, एनर्जी कैन नॉट बी वन ओवर बाय एनी अदर थिंग, अमोघ है 100% सटीक है, चाहे आज के आधार पर हम सेंसर्स को देख लें, चाहे उसके आधार पर चलने वाली चीजों को देख लें, ये अमोघ है। और अमोघ शक्ति के साथ साथ करुणामय है, जो मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इसकी विशेषता ये है ऊर्जा की और भगवान की, कि जहां जिसको जब जैसी आवश्यकता पड़ती है उसी समय उसको यह ऊर्जा प्रदान कर दी जाती है, और ये विशेषता है, इसीलिए भगवान राम के लिए बार बार लिखा गया है कृपा सिंधु भगवान करुणामय दीन दयाला आदि आदि। तो यह केवल इसलिए क्योंकि ले हूं दिनकर बंस उदारा, मैं उस ऊर्जा को लेके साथ चलूंगा कि जिसको जहां जब जितनी जरूरत पड़ेगी उसको उतना दूंगा, इसीलिए कहते हैं कि भक्त प्रेम ते प्रकट हूं ही जिम आगी, यह तो प्रेम से प्राकट्य होता है, जितनी ज्यादा आवश्यकता आपको होगी उतना अधिक ऊर्जा का स्रोत आपके दरबार में रहेगा, द्वार में रहेगा। आगे देखें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहां इसके ओरिएंटेशन की बात की है कि परमाणु में इनका ओरिएंटेशन कैसा है और काम कैसे कर रहे हैं। तो यहां कहते हैं आनन अनल अंबुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने ऊपर देखे तो ये रहते कैसे हैं उस परमाणु में, तो बताया मुंह में आनन अनल, मुंह में आग है, इलेक्ट्रॉन हमेशा परमाणु के बाहर मुंह में रहते हैं, घूमते रहते हैं। अंबुपति जीहा और उसके ठीक विपरीत चरित्र वाला पानी प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है यदि नेगेटिवली चार्ज है, गर्म है, आग है, तो प्रोटॉन उतना ही शांत है, पॉजिटिव है और केंद्र में रहता है। और इन दोनों के मिलने से काम क्या क्या होता है इस संसार में, उत्पत्ति सृजन पालन पोषण और प्रलय संहार, ये इसके परिणाम है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जी कुछ कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इस परमाणु में है वह ओरिएंटेशन के साथ साथ इनकी जो फंक्शनैलिटी है उस फंक्शनैलिटी में ये सृजन का काम करते हैं, क्रिएशन का काम करते हैं, उत्पत्ति का काम करते हैं, ये उसको नरिश करने का काम करते हैं, पालन का काम करते हैं और संहार का भी काम करते हैं, यही इनकी लय रहती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहां एक और विशेष चीज बताई है, आप देखें कि यहां बार बार जितने विभेद होते हैं, लोग कहते हैं मैं मनुष्य हूं, फिर मैं भारतीय हूं, फिर मैं पुरुष हूं, फिर मैं महिला हूं, फिर जातियों में विभाजन है या धर्मों में विभाजन है, क्षेत्र में विभाजन है, भाषा में विभाजन है, कितना सामान्य बात की उस समय विज्ञान के आधार पर। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। आशय कि विज्ञान के बिना आपको समानता की समझ नहीं आ पाएगी। और क्यों नहीं आ पाएगी? जैसे यदि हम एनालिसिस में जाते हैं तो आप देखेंगे कि यदि ह्यूमन बीइंग अपने आप को डिस्क्रिमिनेट करता है किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से, तो साइंस उसको ये बताती है, विज्ञान उसको ये बताता है कि नहीं, हम एक जैसे हैं, हमारे जितने अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, फंक्शनिंग है, फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, तो एक योनि की एक तरह की है। और यदि हम इनके छोटे छोटे भागों में अंदर जाते जाएंगे, तो चाहे हम उनके डीएनए को देखें, आरएनए को देखें, डीएनए और आरएनए में जो इनके अवयव हैं, जिनको हम एटीजीसी कहेंगे, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब में चार पद में पाए जाएंगे। आशय मेरा कहने का कि उस समय विज्ञान की समझ के आधार पर उन्होंने कहा कि यदि आपको समझना है तो विज्ञान से समझेंगे, तभी आपके मस्तिष्क में समस्त जीवों के प्रति समानता का भाव अवतरित तो होगा, एक समझ विकसित होगी। क्योंकि तो आप देखें, जितने भी जीव हैं सब में डीएनए आरएनए है, डीएनए में वही बेसिस है जो मनुष्य में पाए जाते हैं, वही ईस्ट में पाए जाते हैं, वही केचुए में मिलेंगे, आदि आदि जितनी भी योनियां हैं इन सब में वही डीएनए मिलेगा, वही जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, वैसा ही प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। आशय कहने का कि उस समय एक पंक्ति में बाबा गोस्वामी ने, तुलसीदास जी ने कहा कि बिनु विज्ञान की समता आवई, यदि आपको समझना है संसार की समानता को तो आपको विज्ञान के आधार पर जाना पड़ेगा। जैसे को अवकाश की नभ बिनु पावई, यदि आपको इन पंचभूतों के बारे में देखना है तो आपको आकाश से शुरू करना पड़ेगा या स्पेस से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम पंचभूतों की बात करते हैं तो पहले आकाश उत्पन्न होता है, चाहे वह आज की बिग बैंग थ्योरी के आधार पर हम देखें या लव निमेश महाभुवन निकाया के आधार पर देखें, पंचभूतों की उत्पत्ति के रूप में देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि पहले आकाश बनता है, उसके बाद वायु बनती है, उसके बाद अग्नि बनती है, उसके बाद पानी बनता है और ये पृथ्वी बनती है। इन सब की पांच तन्मात्राएं रहती हैं। यहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है कि पुष्कर, पवन, पावक, पय और पृथ्वी, इन सब की एक एक मोनोमर्स है, तन्मात्राएं हैं, ध्वनि, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये इनकी तन्मात्राएं हैं जिनके आधार पर, जिनके गुणों को देखकर हम यह मान सकते हैं कि यह इस अवयव का गुण है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप देखें कितना वृहद विश्लेषण इस शरीर के अंदर का किया है। ये घटना है कि जब भगवान राम काक भुसुंड के साथ खेल रहे हैं और काक भुसुंड को ये शंका होती है कि ये भगवान है या नहीं है, और जैसे ही उनके मन, क्योंकि ये पकड़ नहीं पा रहे मुझे, वैसे ही राम जी ने हाथ आगे बढ़ाया और काक भुसुंड कौवे के रूप में ऊपर उड़ना शुरू किए। और वो कहते हैं, सप्तावर्ण भेद कर जहां लगे गति मोर। उन्होंने कहा मैंने सात आवरणों को पार किया। तो एक तो ये है कि जो आवरण आज स्ट्रेटोस्फीयर से एक्सोनोस्फीयर तक हैं, वह सात आवरण उस समय भी ज्ञात थे। सप्तावरण भेद कर जहां लगे गति मोर, और जहां तक मेरी गति थी वहां मैंने देखा, और व्याकुल भयो बहोर, मैंने देखा कि दो अंगुल के दूरी पर
राम जी की भुजा दिखाई दे रही है और उससे मैं व्याकुल हो गया। और जब व्याकुल हुआ तो आंख बंद करके मैं गिर गया, और जब गिरा तो राम जी ने मुंह बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद मैं कहाँ गया, उनके पेट में गया। वहां की बात ये पंक्ति बता रहे हैं, उदर माज सुनु अंडज राया, देख्यो बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तहां लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जैसे ही मैं पेट के अंदर गया तो वहां मैंने देखा कि बहुत सारे ब्रह्मांड अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाले योग्य बात ये है कि यदि हम शरीर के विभिन्न सिस्टम को देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जेनाइटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, तो इन सबका ब्रह्मांड अलग अलग है, इनकी बॉडी अलग अलग तरह से बन रही है। तो वो बार बार कह रहे हैं उदर माँ, जैसे मैं पेट के अंदर गया वैसे ही मैंने बहुत सारे ब्रह्मांड देखे और बहुत सारे ब्रह्मांड के लोक देखे निकाया, अति विचित्र तहा लोक अनेका, वह हर लोक अपने आप में बहुत बहुत विचित्र थे, और रचना अधिक एक ते एका, वहां बहुत सारी रचनाएं थी जो अलग अलग तरह से कार्य कर रही थी, अलग अलग तरह से देख रही थी। ये आगे की पंक्ति देख के उसके बाद हम बंद कर देंगे, वाणी विराम देंगे। यहां देखें तुलना की है हृदय की समुद्र से, सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। इस संसार का जो विस्तार है वह ठीक वैसा ही है जैसे कहा है नाथ भूधरा कार शरीरा, यह शरीर और पृथ्वी एक जैसी है, और इसीलिए सागर सरिसर विपिन अपारा, यहाँ हृदय की तुलना समुद्र से की गई है। जैसे समुद्र में लगातार टाइड्स आते हैं, अनवरत आते हैं, उसी तरह हृदय चलता है। जैसे समुद्र में पूरे विश्व का पानी आता है, क्योंकि कहां से कौन सी वेपर एवोपरेट होके गई है वहां का पानी मिलता है उसमें, उसी तरह रक्त में पूरे शरीर का, हृदय में पूरे शरीर का रक्त आता है। वहां भी जैसे नदियां सारी, सागर सारी, जितनी नाड़ियां हैं, आर्टरीज एंड वेन्स हैं, उसी तरह पृथ्वी में तमाम सारी नदियां हैं जो पानी को बहा के समुद्र में लेके जाती हैं। सर हैं, तालाब हैं, जैसे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जहां पर रक्त संचय होता है थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ देर के लिए। और विपिन अपारा, इनका जंगल है पूरे नाड़ियों का, आर्टरीज एंड वेन्स का पूरा देर इज अ नेटिंग। तो इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने विज्ञान की दृष्टि से भी इस साहित्य को आप समर्पित किया, और ये बताया कि चाहे आप विज्ञान के माध्यम से चलें, चाहे भक्ति के माध्यम से चलें, आप एक ही अद्वैत में पहुंचेंगे, और वह ईश्वर है जिसके लिए अध्यात्म में ईश्वर कहेंगे। यदि अनाध्यात्मवादी हैं या केवल विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो ऊर्जा है, ऊर्जा बल है, तो ऊर्जा और ऊर्जा बल ये उसी प्रभु के अंश में है। तो यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो भी आपके मन में प्रश्न, स्लाइड्स तो बहुत हैं, अभी सैकड़ों स्लाइड्स हैं, लेकिन एक घंटा हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत रिसर्च किया आपने सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही बढ़िया। इस पर कोई पुस्तक लिखी है आपने क्या? इसमें मेरी कई पुस्तकें हैं, कुछ तो इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स भी हैं। चार पुस्तकें हैं, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, रामचरितमानस और रामचरितमानस की वैज्ञानिक टीका, रामचरितमानस में अध्यात्म एवं विज्ञान, और बहुत सारी अन्य पुस्तकें हैं जो श्रीमद् भागवत में भी विज्ञान है,
गीता में विज्ञान अभी प्रकाशित हो जाएगी 2 महीने में। आप ओम जी को भेज दीजिएगा कहाँ से किताब मिलती है और लिस्ट, तो मैं डिटेल्स भिजवा दूंगा। और यदि कोई विषय हो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें से कोई एक पुस्तक ऐसी बतला दीजिए जो हमें थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये गूगल में आप लेंगे, फ्री डाउनलोड है, उसमें सर्फ करें साइंस इन रामचरितमानस, वो इंग्लिश में है लेकिन साइंस इन रामचरितमानस। जब ये सर्फ करेंगे तो आपको दिखेगा साइंटिफिक एस्पेक्ट्स इन रामचरितमानस, इसको क्लिक कर देंगे तो आपको पूरी वो बुक फ्री डाउनलोड है, यू कैन हैव इट। अच्छा, थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने तो हाई स्कूल कॉलेज के दिन याद दिला दिए, इतने वर्ष हो गए हमको पढ़ने में, सो बहुत 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 धन्यवाद। तो अभी अपने पास 25 मिनट का समय है, बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल हमें समय दिया प्रश्न करने के लिए, तो मैं ये शुरू करता हूँ। एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है, जब मुझे याद अभी याद आ रहा है, हालांकि बहुत साल हो गए इस बात को, कि पहले हम जिस जमाने में, अब आजकल को आजकल तो बच्चे चौथी पांचवी क्या, पहली दूसरी क्लास से विज्ञान और सब चीजों जानने लग जाते हैं, तो इस बात का कोई होश ही नहीं था जब हम पढ़ने बैठे थे। तो जब पहली बार विज्ञान शब्द आया, विज्ञान विषय आया, यूं कहिए मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तब हमारे शिक्षक ने उस समय कहा था कि विज्ञान इसलिए हम कहते हैं विशेष ज्ञान, आगे भी लगा हुआ विज्ञान और विशेष ज्ञान। जी जी, तो वो तो हो सकता है हम बच्चों को समझाने के लिए कह दिया विशेष ज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान में आप, हालांकि शुरुआत में आपने कुछ इस बारे में बात की थी, पर आज इतना अच्छा मौका मिला है तो आपसे मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि विज्ञान और विज्ञान में क्या महीन अंतर है, क्या फर्क है, क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान, क्या ज्ञान है पर विज्ञान नहीं, क्या विज्ञान है ज्ञान नहीं, या एक दूसरे जब हम फिर से उस श्लोक को अपन ध्यान दें जो मैंने शुरू में कहा था श्रीमद् भागवत के आधार पर, एत देव ही विज्ञानम न तथैकेन येन यत् स्थिति उत्पत्ति अप्यान पश्येद भावानाम त्रिगुणात्मना। विज्ञान वह शाखा है जो इस संसार में तीनों गुणों को बताते हुए, तीनों गुणों के परिणामों को बताते हुए उसकी उत्पत्ति, स्थिति और उसके नष्ट होने के तरीके, इन सारों का सभी का पूर्ण ज्ञान हो उसे विज्ञान कहते हैं। उसमें कला, साहित्य, यह वह सारा कुछ समाहित हो जाए। शायद कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छे से सुना गया। अच्छा, मुझे देख नहीं रहे थे तो मुझे लगा कि हाँ, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल हूँ यहाँ पर। उसका आशय ये है कि इन तीन गुणों का, मतलब जो फ्यूजन है, क्रिएशन कैसे होता है, मेंटेन कैसे रहता है और डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, जब हम इन तीनों का इस संसार, इन तीनों का संसार की समस्त चीजों के ऊपर लागू करते हैं तब उसे विज्ञान कहते हैं। और यह तीन कारणों से होता है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से। रजोगुण बंधनकारी है, सतोगुण बनाए रखता है और तमोगुण तोड़ता है। तो यदि हम मेटाबॉलिज्म शब्द लें तो एक में एनाबॉलिज्म है, एक में कैटाबॉलिज्म है। एक संघनन के साथ सृजन करता है, एक तोड़ने के साथ सृजन करता है। संघार का से विनष्टीकरण नहीं है। इस सारी प्रक्रिया को विज्ञान कहा जाता है। बस एक छोटा सा इसी से लगा हुआ प्रश्न पूछ लेता हूँ, बाकी फिर बाद में बाकी लोगों का आमंत्रित करता हूँ, तो बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा तो अपना अगर इसका लूजली हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो जी? कई बार नहीं, इन शब्दों का लूजली अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहें तो विल यू से ज्ञान इज नॉलेज एंड विज्ञान इज साइंस की देयर इज अ बेटर वर्ड फॉर दिस? नहीं, मैं नहीं कहूंगा, मैंने क्षमा मांगी थी पहले भी, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। नहीं, हम क्या कहेंगे फिर इनको, अगर हमें अंग्रेजी में कैसे समझाना है? इसी के साथ मैं जोड़ देता हूं। ओके, माया
इंग्लिश में आप माया को कह देते हैं इल्यूजन, जबकि माया जो है ऊर्जा के लिए, ऊर्जा की चाहत के लिए होने वाली क्रियाओं को माया कहते हैं। इसीलिए एक शब्द आया है माया का प्रपंच। पंच मैंने बताया आपको, पंच महाभूत, पुष्कर, पवन, पावक, पै, पृथ्वी, पंच पाव, और उसका प्रकटीकरण जो है वो प्रपंच है। और वो प्रकटीकरण पंचों का साथ कैसे होता है, वो माया के कारण होता है। और माया क्या है, जितने केमिकल रिएक्शन जो आप पहली और दूसरी लाइन को कहें, गगन समीर अनल जल धरणी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, तो ये जो अधम शरीर बनने की प्रक्रिया है वो माया है। एंड दैट इज द चेन ऑफ रिएक्शन इन एनर्जी व्हाट इज फ्लोइंग एंड बिकॉज ऑफ विच एनीथिंग एनीथिंग इज क्रिएटेड। तो यहाँ जो जो इंग्लिश करने का चक्कर है वो दुर्भाग्यजनक है कई बार, क्योंकि हम उन शब्दों को न जानते हुए इंग्लिश कर देते हैं। ट्रांसलेशन तो कर दिया लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ नहीं, विमर्थ हो गया। जैसे एक बहुत दूसरा शब्द मैं बताऊं यहाँ, कर्म। कर्म की इंग्लिश आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, एक्शन। पढ़न एक्शन, एक्शन। तो कार्य को क्या कहेंगे? कार्य इज एक्टिविटी, एक्टिविटी। अब आप स्थिति देखें, हमारे यहां कर्म क्या कहा गया है? आपके काम करने के त्याग के कारण जो भाव किसी के मन में उत्पन्न होता उसे कर्म कहते हैं। कितना स्पष्ट, बिल्कुल अलग। यदि मैं कोई अच्छा कार्य कर रहा हूं, कुछ त्याग कर रहा हूं, और मेरे त्याग को देख के यदि किसी के मन में भाव उत्पन्न होता है, वह कर्म है। लेकिन यहां अपन ने एक्शन या डीड्स या एक्टिविटी कह दी, जबकि उसका अर्थ ही बिल्कुल भिन्न है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसको इंग्लिश में नहीं लिया जाना चाहिए। I have written this, ये बुक जो हमारी है गूगल में आप ले सकते हैं, अभी मैंने डिटेल बताए। मेरा आशय कहने का कि इंग्लिश में हम किसी तरह एक्सप्रेस तो कर देते हैं, बट दैट एक्सप्रेशन इज फेलिंग द वेरी लॉजिक ऑफ राइटर। राइटर ने बड़े गंभीर विषय से लिया है। खैर, एनीवेज, नॉट गोइंग इनटू डिटेल। थैंक यू। चलो, मैं यहाँ पे एकाधिकार नहीं जमा रहा, बाकी मित्रों को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपने अपने प्रश्न करें। सो एनीबडी अदर क्वेश्चन प्रोफेसर साहब के लिए? हाँ, शैल जी, आप म्यूट पर हैं, आप प्रश्न करिए। अपने म्यूट पर हैं शैल जी। आप गौतम जी, एक अज्ञानी आदमी को जैसे बताते हैं वैसे बताइएगा, आपने अपनी ये डेफिनेशंस कहाँ से ली? ये जो कर्म की डेफिनेशन ली है वो मैंने गीता से ली है, और जो विज्ञान की परिभाषा ली है वो श्रीमद् भागवत से। ओके, कर्म की गीता हमारे लिए बिल्कुल ही नई सी परिभाषा थी, तो थोड़ा मन में कौतुक हुआ कि ये तो पूरी हमारी सोच को ही उलट पुलट कर रहा है। है ना, इसीलिए मैंने मुझे कहा था जब मेरी बात हुई ओम जी से इंग्लिश में, मैंने कहा मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगा। हाँ, I can express myself in English, but that is not the explanation for science. या हम लोग सब हिंदी अंग्रेजी दोनों अच्छी तरह से समझते हैं। नहीं, लेकिन तो बात यहाँ हिंदी अंग्रेजी की नहीं है, बात यहाँ पे उससे कहीं और कई कई लेयर में जा रही है। जी जी जी, बिल्कुल सहमत हूं मैं, है ना। तो उन्हें पकड़ने के लिए, मतलब आपने कहा गीता हमने भी पढ़ी, हमारे जैसे हजारों ने पढ़ी होगी। जी जी, पर हम कभी कर्म शब्द का वह अर्थ नहीं ले पाए जो आप हमें बता रहे हैं। तो आपके मन में ये कैसे आया? नहीं, ये मेरे मन में नहीं आया। गीता का तो मैं ऐसा जो उदाहरण ले रहा हूँ, इसमें मैंने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया है। कर्म को ऐसा परिभाषित ही किया गया है गीता में, बड़ा स्पष्ट। तो श्लोक बताएंगे? मैं श्लोक आपको भेज दूंगा, अभी
एट प्रेजेंट तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं वो भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। माफ करिएगा, बस कौतुकवश पूछा। नहीं नहीं कोई विषय नहीं, वो तो ठीक है। जी, मैं तो जी, अभी केवल मेरी एक आदत है कि जो मैं लिख रहा हूँ उस पे चल रहा हूँ। ये तय है कि जो पुस्तक में श्रीमद् भगवद गीता में विज्ञान लिख रहा हूँ, यदि वह कोई व्यक्ति पढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसको जीवन में कभी दुख नहीं होगा दोबारा। नहीं नहीं वो तो ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कल्पना शक्ति इतनी उर्वर होती है कि हम किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं, उनका तारतम्य बिठा सकते हैं। माने कई बार मतलब कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाली। नहीं लेकिन कर्म की परिभाषा में मैंने कोई जोड़ तोड़ नहीं किया है, ऐसा सच रखा है। और विज्ञान की परिभाषा भी जो श्रीमद् भागवत की है वो है सच है। गौतम जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं आरजी द्विवेदी हूँ, भोपाल से हूँ, आपके पड़ोस जबलपुर के पास से हूँ। ये विज्ञान की परिभाषा आपने वो श्रीमद् भागवत के श्लोक से बताई ना। जी जी, मैं दोबारा आपके लिए श्लोक पढ़ देता हूँ, मैं दोबारा श्लोक आपके लिए पढ़ता हूँ। एत देव ही विज्ञानम न तथैके न येन यत् स्थिति उत्पत्ति अप्यान पश्येद भावानाम त्रिगुणात्मना। ये ओरिजिनल श्लोक है। पर ये बाल कांड में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, वो है ना, बंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर, बंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो, वहां पे भी विज्ञान शब्द आता है। आया ना, मैंने तो शुरुआती अपने व्याख्यान की है कि तुलसीदास जी विज्ञान को लेकर चलते हैं, और अंतिम श्लोक में इसीलिए कहा पुण्यम पापहरम सदाशिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम। ते संसार पतंग घोर किरणे दहंती नो पावका। उसके बाद ये अंतिम श्लोक की बात है। तो प्रथम श्लोक से ही लेकर भक्ति और विज्ञान लेकर चले, और अंतिम श्लोक में भी भक्ति और विज्ञान को लेकर समापन किया, और स्पष्ट कहा कि जो भक्त हैं उनको भी वही परिणाम मिलने वाला है जो विज्ञान के माध्यम से जाएगा। ठीक जी, धन्यवाद। स्वागत। थैंक यू। आगे एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन और कमेंट? इतना गहन विषय है और आप पास कोई प्रश्न नहीं है? गीता में विज्ञान पर हमें बहुत इंटरेस्ट हुआ कि वो दुख दूर हो जाएगा, मैं तो बहुत दुखी हूँ। नहीं, मैं तो दावा कर रहा हूँ, ये मैं दावा कर रहा हूँ कि मेरी जो पुस्तक आने वाली है श्रीमद् भगवत गीता में विज्ञान, वह पढ़ने के बाद ऐसी मेरी धारणा है कि वह संसार में व्यक्ति फिर दुखी होगा ही नहीं, परमानंद में रहेगा। अरे हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम लोग बहुत दुखी नहीं, वो सबके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। आप जल्दी निकालिए उस किताब को, अगले हफ्ते दो चार हफ्ते में निकाल दीजिए। आशा है तो 3 महीने में आ जाएगी। 3 महीने में? अरे बहुत अच्छा। जी जी चौबे जी भोपाल से पूछे। जी सर, मैं राकेश चौबे बोल रहा हूँ भोपाल से। हाँ राकेश जी बताएं। सर बहुत ही प्रभावी वक्तव्य रहा आपका, और बहुत नई नई चीजें आपने बताई। एक सामान्य आदमी जी, जैसे गुप्ता जी से भी एक बार बात हुई थी कि मैं यही ढूंढ रहा हूँ कि अब क्या। एक आदमी की जिंदगी में आता है कि बच्चे पढ़ लिख गए, ये हो गया, मकान हो गई, दुकान हो गई, दुनिया हो गई, सब अब जी, क्या जी। तो वो अब क्या का मार्ग आपने जो बताया विज्ञान और ज्ञान के थ्रू, वो जाता भगवान की तरफ। तो कौन सा मार्ग सबसे सरल और सबसे अच्छा है? देखिए सबसे इसीलिए बढ़िया बात बाबा तुलसी ने भी कही, भागवत में भी कही, भगवद गीता में भी कही जी, ज्ञान कर्म और भक्त, ये 3 योग हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। आप ज्ञान के माध्यम से चलेंगे तो भी वहीं पहुंच रहे हैं, कर्म के माध्यम से चलेंगे तो भी वहीं पहुंच रहे हैं, और भक्ति के माध्यम से चलेंगे तो भी वहीं पहुंच रहे हैं। मैं एक साधारण उदाहरण देके बता रहा हूं। गुणा गुणम वर्तते। आप इस संसार में गुण व्यक्ति में नहीं है,
एक ये बड़ा विचित्र लगता है सुनने में, ये गीता की बात है, किसी भी व्यक्ति में गुण नहीं है, उस व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले पदार्थों के गुणों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे मैं कहता हूं मैं देख रहा हूं सामने लिखे रखी वस्तु को, मैं नहीं देख रहा, देखने में मेरी आंख सक्षम है, इसीलिए आंख के अलावा किसी अंग से नहीं देख सकता, आंख भी तब जब स्वस्थ है तब देख पाएगी, जैसे ही गड़बड़ी आती कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ तो वो पावर ठीक कर देगा, लेंस ठीक कर देगा, कैटरेक्ट निकाल देगा आदि आदि, और फिर वो काम करता है। कान ही सुन सकता है, नाक ही सूंघ सकती, क्योंकि वहां वो केमिकल्स हैं और उनकी संवेदना मस्तिष्क तक है। आशय कि गुण ही गुण में वर्तते हैं व्यक्ति में नहीं, यदि यह मान लें तो सबसे पॉपुलर श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की इच्छा नहीं कर, तो फल की इच्छा क्यों नहीं करें, मैं दानी योगी नहीं हूं लेकिन फल की इच्छा मुझे इसलिए नहीं करना क्योंकि मैंने कर्म किया ही नहीं है, कर्म किया है उस पदार्थ ने जो मेरे शरीर में उपस्थित था, उस पदार्थ को बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, वह प्रकृति ने किया है, तो प्रकृति ने कार्य की और फल मैं लेना चाहता हूं। तो यदि आप विज्ञान के आधार पर ईमानदार हैं तब भी यह तैयार हो जाए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उस संयोजन को आगे बढ़ाने की व्यवस्था है। और एक और विशेष चीज, तो मैं काम नहीं करूंगा ऐसा प्रश्न आ सकता है, आप काम करेंगे ही क्योंकि आपकी वो प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति क्यों है, क्योंकि आपके शरीर में वैसे पदार्थों का संयोजन उस क्रम में रखा हुआ है, इसलिए आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आपको फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यह पदार्थों का खेल है जिसको आप विज्ञान के माध्यम से समझ लें, और उसके बाद जितने मन बुद्धि चित्त अहंकार है अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, आपको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वहां आप लेप नहीं लगाएं, अपनी अकल नहीं चलाएं, जिस अकल को देखना है आप उसी विज्ञान के आधार पर अपने शरीर की एनालिसिस कर लें। आप पूरे जीवन में, मेरा आशय कहने का कि व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी कर्म को ले ले, फिर देखेगी क्या उसने किया है। जैसे मैंने पाठ याद किया तो किसने याद किया, दूसरे व्यक्ति को पाठ याद नहीं हो रहा, उनने कहा नहीं यार इसका दिमाग कम चलता है, अब कम चलता है इसलिए, अब उसमें गलती क्या है उसकी, क्योंकि उसके पास उस दिमाग में जो संयोजन है पदार्थों का वह दूसरे क्रम में है, एक एक पाठी है, दुपाठी है, त्रिपाठी है, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी है, तो क्यों, क्योंकि उनके मस्तिष्क में आनुषांगिक रूप से वह चीजें आ रही हैं। यह मैं सारांश में कह दूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्योंकि वह स्वभावगत आपके शरीर के पदार्थों के स्वभाव के कारण, गुणों के कारण ही आप एक तरह का गुण कर कार्य करते हैं, और वह कार्य वह प्रकृति प्रदत्त पदार्थ कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो अनावश्यक श्रेय नहीं लें, और जब अनावश्यक श्रेय नहीं लेंगे तो फल की इच्छा आपकी समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं लेकिन लेकिन कर्म का फल भोगना पड़ता है बोलते हैं, कर्म का फल बोले, कर्म करना या ना करना है तो हमारे हाथ में है, और फल का हाथ में नहीं हो, एक बार हमने जैसा कर्म किया वो सब फल भोगना पड़ेगा, तो कर्म तो हम ही कर रहे हैं ना, हमारे हाथ है, भोगेगा कौन आप मुझे ये, चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूं, तो फल कौन भोगता है, आपको दुख कहां होता है ये बताइए, दुख होता कहां है आपको, हमारे मन के अनुकूल काम नहीं होता, मन तो आपका है ही नहीं, वो छठी इंद्री जो शरीर में आज तक ऑपरेशन में नहीं मिली, उसे हम मान लेते हैं ना कि हमारा नहीं, तो ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि दुख कहाँ हो रहा है, मन में है तो शरीर में नहीं है, अब दुख बताइए कहाँ हुआ, वो हर जगह दुख हो रहा है, तो वही तो प्रॉब्लम नहीं है, तो यही तो जो गीता इसीलिए मैं कह रहा हूँ, विज्ञान के माध्यम से जब आप इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये जो भ्रम हम भाषाओं के आधार पर, पटुता के आधार पर, वाकजाल के आधार पर बनाते, वो टूट जाता है, क्योंकि विज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट चीजें रहती हैं कि यहाँ ये चल रहा है,
और हमारे धर्म ग्रंथों ने भी वैसे ही किया, लिखा उन्हीं ने है, लिखा उन्हीं में है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमने साहित्यिक पटुता के कारण उस चीज को तथ्य से अलग कर दिया। तो विज्ञान आता ही नहीं है तो समझेंगे कैसे पाश्चात्य में। गौतम जी एक सवाल छोटा सा पूछना चाहूंगी। जी प्लीज। क्या आप मानते हैं कि जो भारत पाश्चात्य का मेटाफिजिक्स है वो भारतीय दर्शन और धर्म से निकला? ये आप निकलने की बात करते हैं, हमारे यहाँ जिस श्रेणी तक गया है, मेरे कुछ पेपर्स हैं जो मैंने इंटरनेशनल जर्नल्स में भेजे हैं, वो मैंने भेजा है, ये एक अलग बात है, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है, वह सब वहीं से है। ये मेटाफिजिक्स कहीं खड़ी नहीं होती, फिजिक्स कहीं खड़ी नहीं होती, बायोलॉजी कहीं खड़ी नहीं होती, केमिस्ट्री कहीं नहीं खड़ी होती। विषय ये है कि ये हम लोगों ने प्रमाण के आधार पर ही विज्ञान को माना, जितना प्रमाणित कर पाए उसे विज्ञान कह दिया, जो नहीं कर पाए उसे कल्पना कर दी। जितनी कल्पनाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में हुई, वो आज दिनांक तक जितनी खोज या रिसर्चेज हुई पाश्चात्य देशों के द्वारा, वह सब ए टू जी प्रमाणित हुई। तो या तो हम गौतम जी माफ करिएगा अगर कुछ गलत बोल रही हूँ, पर मैंने देखा है कि पाश्चात्य देशों में कई बार हमारे विद्वानों का मजाक बनाया जाता है कि वो हर चीज के लिए कह देते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे धर्म ग्रंथों में ये बात तो थी, स्पेस शटल थी, मिसाइल्स थी, क्या नहीं था। तो कभी कभी हम लोग जवाब नहीं दे पाते, हास्यास्पद लगते हैं। ठीक कह रहे हैं, बहुत बहुत सारी बातें ऐसी हैं। मान लीजिए किसी के माता पिता का निधन हो गया, दोनों का भाई बहन है नहीं, और उससे उस समय पूछा जाए और कहा जाए कि तुम्हारे माता पिता वो नहीं है जिनको तुम मानते हो, अब उस बच्चे के पास क्या प्रमाण है? हमारी स्थिति वही है, हमारी स्थिति वही है। तो बहुत बार प्रमाण ना होना सत्य का परिचायक नहीं है, वह सत्य है जो वो लड़का कह रहा है। अब माता पिता भी नहीं और उसके भाई बहन नहीं है, तो जीन अब मिलेगा नहीं, जीन पूल नहीं मिलेगा। अब जब जीन पूल नहीं मिलेगा तो उत्तर नहीं दे सकता, निरुत्तर है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने कभी भी, जैसे आप देखें एक स्थिति में कि राम लक्ष्मण दोनों हैं, दोनों मुनि के साथ हैं, लेकिन उनको ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण को नहीं दिया गया, उनने कहा नहीं ये राम के लिए है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सृजन के लिए, विध्वंस के लिए नहीं है, कथा नहीं दी गई। जितनी चीजें याद करनी, जिसको याद करनी उसके लायक है, वो बोले कि ये इसके लायक है, ये इसके लायक है, और चूंकि वह उनका प्रोफेशन नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार हम अनुत्तरित हो सकते हैं क्योंकि हमने प्रामाणिक रूप से उन चीजों को उस तरह से संग्रह नहीं किया। उसको वाणी विलास कहा जा सकता है, फिक्शन कहा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि उन ऋषि मुनि चिंतकों का यह उद्देश्य ही नहीं था जो उद्देश्य हमारा है। वो वाद विवाद भी नहीं करते थे, वो तो जाते थे कुंभ में बैठते थे, उनने कहा साल भर की मेरी ये रिसर्च, तेरी ये रिसर्च, और जिसकी रिसर्च है उसको पूल करके व्यास में डाल दिया, व्यास के नाम पे डाल दिया, अपने नाम पर नहीं। चरक संहिता पूरी बनी, कोई व्यक्ति नहीं था चरक, चरक स्थान का नाम था जहां सारे डॉक्टर जाते थे, स्वस्थ के स्वास्थ्य की कामना करते थे, और जो निचोड़ आता था उसको चरक संहिता के नाम पर प्रकाशित होता था। तो ऐसा लगता है कि चरक कोई डॉक्टर था, चरक स्थान का नाम था। तो हमारे यहाँ इतने गौड़ तरीके से चिंतन हुआ, अपना मैं करके बात नहीं हुई। हमारे यहाँ एक शब्द जो कह दूं, मैं कहते हैं एक वचन में भी द्विवचन है, मां और ए की मात्रा, आत्मा और शरीर को अलग रखा, अकेले हम कभी नहीं है, इसीलिए कहते हैं हम हमेशा ईश्वर के साथ है, आत्मा परमात्मा के साथ है, कि हमने एक वचन रखा ही नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य भी है या होशियारी है, जो आप इसको मान लें। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत गौतम जी, और आप सभी मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, इतना रोचक वक्तव्य, बिल्कुल नई नई बात पर, नए दृष्टिकोण से
सो आपके बड़े आभारी हैं डॉक्टर गौतम जी, और प्रभु ने चाहा तो कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताह बाद जैसे आपकी नई किताब आएगी उसके बाद मैं आपसे प्रार्थना करेंगे कि गीता में क्या विज्ञान है उस पर आप हमें यहाँ थोड़ा सा ज्ञान दें। एक तो अनाउंसमेंट कर दूं, बस दो मिनट और। अगले 3 सप्ताह लगातार हम लोग मानस में विभिन्न पात्रों पर बात करेंगे, तो उसके अनाउंसमेंट्स वगैरह एज यूजुअल अपने वेबसाइट पर भी हैं, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन शायद होने की संभावना है कुछ तारीखों में, और आपको हर सप्ताह मैसेज तो मिल ही रहा है। एक समाचार आपको मेरे अनुज शिव ने डाले हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने यूट्यूब चैनल में अब 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यूट्यूब चैनल में सब्सक्रिप्शन करने का बहुत बहुत सस्ता तरीका है, मुझे किसी ने बताया कि सबको 100-100 रुपये भेज दो बट आप सब्सक्राइब भी करेंगे, पर हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, ये रामचरित मंथन है, यहाँ पर ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन किया है वो अपनी मर्जी स्वेच्छा से किया है, सो जो जो सब्सक्राइब किया है आप सबका बहुत बहुत आभार। उससे लाभ ये होता है जैसे नई, जैसे अब आज के प्रवचन की इनकी YouTube बनेगी, 1-2 दिन लगते हैं, तो उसका मैसेज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है ताकि उसका उससे वंचित ना रह सकें। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया और ये जब पहली बार मैंने सब्सक्रिप्शन शब्द सुना था तो मुझे लगता था अरे इसमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन तो हमेशा पैसे देने पड़ते हैं ना, तो मैंने भी कभी कोई सब्सक्राइब नहीं किया, अरे हम तो बनी आदमी है कहाँ पैसे देंगे, पर ये ऐसा सब्सक्रिप्शन में जहाँ कोई पैसे वैसे नहीं लगते। तो आप अगर अब तक नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने इष्ट मित्र को आमंत्रित करिए, इसमें न कोई हिंग लगे न फिट करिए, रंग चौका वाली बात है। हर साप्ताहिक कार्यक्रम के और बाकी भी बहुत सारे आपको पता ही कार्यक्रम चलते हैं, तो उनकी यूट्यूब लिंक आपको मिलती रहेगी, जिसमें आपकी रुचि हो उसको आप देखिए, जिसमें रुचि ना हो उसको मत देखिए। इसके अलावा और कोई विशेष मेरे पास आज के लिए अनाउंसमेंट्स नहीं है। आज वैसे भी एक विशेष दिवस है, आपको कई लोगों को याद होगा, आज से ठीक 1 साल पहले हमारे मेरे बड़े भाई समक्ष और मेरे परम मित्र डॉक्टर नरेंद्र लादावाला, जो यहाँ पर बड़े नियमित आते थे हमारी स्मिता भाभी के पति, उन्होंने अपनी देह छोड़ दी, तो उनकी स्मृति में मैं आप सबसे विनती करूँगा उनको थोड़ा 10-15 सेकंड श्रद्धांजलि दें शांति से, उसके बाद में मैं शांति श्लोक पढ़कर आज का समापन करता हूँ। तो 10-15 मिनट आप शांति से जरा प्रभु का ध्यान रखें, उनकी आत्मा को शांति। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ असुतो मा सद्गमय, तं सो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतगमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री।